बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं? यहाँ पर जो मैं रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ वो है कद्दू के सालन की। तो रेसिपी तो मैं आप लोगों को बाद में दूँगी, पहले जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करें लाइक। और जो है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो फुल वॉच करें। आप लोगों को जो फुल वॉच कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे जो है हौसला अफजाई करने के लिए। यहाँ पर हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव जो है वो मैंने कद्दू ले लिए हैं, उनको मैंने काट के रख दिया है। एक मैंने लिया है टमाटर बड़े साइज़ का, और मैंने ली है शिमला मिर्च, ये बड़ी शिमला मिर्च थी उसकी मैंने जो है हाफ लिया है। और यहाँ पर मैंने हरी ही प्याज ली है, और मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच, हरी मिर्च हरा धनिया मैंने लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं पाउडर मसाला में सूखा धनिया लिया है मैंने 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, आधा चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, नमक लिया है मैंने हसबे ज़रूरत, और थोड़ा सा मैंने लिया है कर्नल क्यूब्स। और यहाँ पर जो है 3-4 जो है टेबल स्पून जो होते हैं वो मैंने ले लिए हैं ऑयल के, उसको मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। और ऑयल मैंने लिया है हसबे ज़रूरत, आप लोग भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल लें, ऑयल और नमक जो है वो आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिया करें। तो यहाँ पर ऑयल हो गया है गरम, उसमें जो है हरी मिर्च और जो है हरी प्याज और अदरक जो है के साथ डाल दूँगी। देखिए बहुत अच्छी आती है सब्जी में जो आप लोग हरी प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसी में हरी प्याज में ये जो 4-5 जो ये पत्ते करी पत्ते के लिए हैं, कड़ी पत्ता, हरी प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मैंने पिस्ता डाल दिया। फिर से चलने चलाने के बाद बेस पे डाल दूँगी पाउडर मसाले और टमाटर। तो यहाँ पर अभी बेस डाल दूँगी पाउडर मसाले और टमाटर, जैसे टमाटर नरम होने तक फिर इसमें कभी डाल दूँगी। यहाँ पर जैसे ही टमाटर नरम होंगे तो हम इसमें डाल देंगे कद्दू, और फिर उसका ढक्कन ढक के छोड़ देंगे, क्योंकि कद्दू में पानी नहीं डलेगा, वो जो है अपने ही पानी छोड़ेगा, उससे ही जो है कद्दू जो है हमारे गल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी टमाटर जो है कुछ नरम हो गए हैं, तो मैं इसमें जो है कद्दू भी डाल रही हूँ। यहाँ पर कद्दू हमने डाल दिए हैं, और कुछ देर में इसकी भुनाई करूँगी, और उसके बाद जो है मैं ढक्कन ढक कर छोड़ दूँगी ताकि कद्दू जो है हमारे गल जाए। बहुत अच्छी सब्ज़ी है और खानी भी चाहिए, और हम जब ये सब्ज़ी बनाते हैं तो हम इसके छिलके जो वो भी कचरे में नहीं डालते, वो भी हम साइड में कहीं पे रख देते हैं ताकि कोई बकरियाँ वगैरह जो भी जाएँ वो खाना, लेकिन डायरेक्ट कचरे में हम डायरेक्ट जो है कचरे में नहीं डालते। तो यहाँ पर आप लोग देखें अभी सब्ज़ी की बुनाई कर रही हूँ। यहाँ पर ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, और दूसरे के ये सब्ज़ी जो है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी। तो ज़रूर आप लोग अपने खानों में इस्तेमाल करें आप लोग। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमारे कद्दू की सब्ज़ी जो है नरम हो गई है, कुछ देर में इसको और भी पकने दूँगी ताकि इसके से और भी नरम हो जाए। फिर इसमें मैं शिमला मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दूँगी, और हमारा कद्दू का जो है सालन यानी सी सब्ज़ी जो है कद्दू की हमारी तैयार हो जाएगी। मैं कुछ देर इसको भी ढकन ढक कर छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए और भी नरम हो जाए। तो रिश्ते पर आप लोग देख सकते हैं कद्दू हमारे नरम हो गए हैं, कद्दू का जो पानी था उसी में जो है कद्दू गल चुके हैं, और अब इसमें हम शिमला मिर्च और हरी मिर्च हरा धनिया डाल रहे हैं। मैंने शिमला मिर्च भी इसमें डाल दी है, और अभी हरी मिर्च हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी कद्दू की जो है सब्जी तैयार हुई है। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जो है बहुत अच्छी सब्ज़ी हमारी तैयार हुई है। तो किसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी शिमला मिर्च जो है अभी रेसिपी पकड़ हो उनकी बच जाएगी, और शिमला मिर्च थोड़ा सा हम इसको बचा लेने दें तो इसी में इसकी जो है टेस्ट अच्छा रहता है। तो अब हमारी कद्दू की सब्जी तैयार हो गई है। तो किसी लगी आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी, अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।